केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी लगाएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की नैया पार। टी20 विश्व कप 2021 में टीम इंडिया मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ मिली 10 विकेट की हार ने विराट कोहली की सेना का पूरा काम खराब कर दिया है। 31 अक्टूबर की रात टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरना है और इस करो या मरो वाले मुकाबले में भारत को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में अगर जीत फिसली तो समझिए हाथ से टी20 विश्व कप का खिताब भी निकल जाएगा। टीम की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी होगी केएल राहुल, रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के कंधों पर। राहुल और हिटमैन का रिकॉर्ड कीवी टीम के खिलाफ कमाल कर रहा है और आंकड़ों के मुताबिक ही इन दोनों का बल्ला चला तो समझ लीजिए सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो सकता है। केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 5 टी20 मैच खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 144.51 के स्ट्राइक रेट से 224 रन निकले हैं। उनका औसत भी 56 का रहा है जबकि भारतीय ओपनर ने 2 अर्धशतक भी जमाए हैं। रोहित का भी रिकॉर्ड कीवी टीम के खिलाफ अच्छा रहा है। हिटमैन ने अब तक खेले 13 मुकाबलों में 137.95 के स्ट्राइक रेट से 388 रन बटोरे हैं। पिछले साल न्यूजीलैंड की धरती पर इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर धमाल मचाया था और फटाफट क्रिकेट की सीरीज में टीम इंडिया को 5-0 से जीत दिलाई थी। रोहित ने 4 मैचों में तब 150 के स्ट्राइक रेट से 140 रन कूटे थे।